भारत की ओर से खेल चुकी है ये खिलाड़ी, अब है जोमैटो की डिलीवरी एजेंट। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जहां स्टार एथलीटों को अपना परिवार चलाने के लिए घरेलू काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ मामलों में एथलीटों को सरकारी सहायता मिली, लेकिन ज्यादातर को अपने सपनों को छोड़ देना पड़ा और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। ऐसी ही कहानी है पोलामी अधिकारी की, जो एक फुटबॉलर थी और कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ट्विटर पर शेयर किया गया पोलामी का खाना डिलीवरी करने का एक वीडियो वायरल हो गया है। क्लिप में पोलामी को जोमैटो की टी शर्ट पहने देखा जा सकता है। वह वीडियो में अपनी बदकिस्मती बताती है। कोलकाता के बेहाला इलाके के शिब्रमपुर की रहने वाली पोलामी वर्तमान में चारूचंद्र कॉलेज में पढ़ रही है। वह वीडियो में बताती है कि कैसे उन्होंने अंडर 16 फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जर्मनी, यूके, श्रीलंका और कई स्थानों की यात्रा की। हालांकि पोलामी अपने सपनों का पीछा नहीं कर सकी और उन्हें अपने परिवार का समर्थन करने के लिए एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो कहती हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कटौती के बाद उनकी दैनिक कमाई 300 से 400 रुपए तक सीमित है, लेकिन कभी कभी ये राशि 150 रुपए तक गिर जाती है। पोलामी की हालत देखकर लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने लिखा कि गरीबी और सरकारी सहायता की कमी के कारण कितने प्रतिभाशाली एथलीट गायब हो गए। सोशल मीडिया पर लिखिए हापुड़ हलचल और देखिए हमारी ये खास खबरें सिर्फ हापुड़ हलचल पर।